विधान परिषद के सदस्य कुमार बाबू उर्फ श्री कृष्ण कुमार सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा, और मैं श्री नीतीश कुमार जी के साथ 1994 से जनता पार्टी जनता दल जोट के समय से काम कर रहा था। लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ताओं के साथ व्यवहार किया और जिनके विरुद्ध में वो लड़े और वही लोग के सत्ता को मलाई चटाए और जिनके विरुद्ध में सत्ता प्राप्त किए आज उन्हीं के साथ सत्ता में है, और जिनके जिन लोगों ने बिहार में अपहरण का उद्योग, लूट का और गुंडागर्दी का सब सीमा पार कर गया था 2005 के पहले, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ जहां भारतीय जनता पार्टी के मिलकर भारतीय जनता पार्टी ने श्री नीतीश कुमार जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, इसलिए बनाया बिहार में सुशासन की सरकार हो और बिहार विकास करे। आज जितना भी विकास हुआ है बिहार का थोड़ा बहुत जो भी विकास हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी का लगभग 18 वर्ष में 16 वर्ष जो है साथ में रह करके और 6 वर्ष केंद्र में रह करके भारतीय जनता पार्टी ने साथ दिया, तब जाकर बिहार का विकास हुआ। और आज जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने पार्टी छोड़ा और जाकर के जिनके विरुद्ध में चुनाव लड़े थे उनके सत्ता में जाकर गोद में बैठ गए, आज बिहार का वही स्थिति धीरे धीरे बनते जा रहा है। और उम्मीद है कि जब तक ये साथ में रहेंगे तब तक वही हाल होगा बिहार के जो 2005 के पहले था 90 के दशक। आज तो स्थिति ये बनी हुई है कि देश में गर्व से कहता है बिहार जो है बिहारी कहलाने में गर्व महसूस करता है। ये देश सरदार अटल जी और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का देन है, विश्व में भारत का जो है आज जो है से लोग अच्छे नजर से देख रहे हैं एक मजबूत देश के रूप में। गत साथियों, मैं यही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। मैं विनोद सिंह डांगी, पूर्व प्रत्याशी सिरघाटी विधानसभा क्षेत्र, मेरा वर्तमान क्षेत्र जो है गुरुआ विधानसभा क्षेत्र है, गया जिला का औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है और गया जिला